महाराष्ट्र में अन्ना भाऊ साठे जी के जन्म शताब्दी के मौके पर महाराष्ट्र में ये परिवर्तन यात्रा चलेगी। जब तक महाराष्ट्र में चलेगी, अन्ना भाऊ साठे जी के जन्म शताब्दी वर्ष के स्मरण में चलेगी। ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा होने की वजह से मैं ईवीएम के बारे में ही, क्योंकि समय 9 बज गए तो भी बहुत सारी दूसरी बातें करने के बजाय केवल ईवीएम पर मैं आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करके कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ईवीएम की जानकारी बहुत ज्यादा है, मुझे अगर सारी की सारी जानकारी देनी पड़ी लगभग 8 घंटे बोलना पड़ेगा, इतनी लंबी जानकारी। 2014 से मैं लड़ रहा हूं तो लड़ाई की भी जानकारी है, और इस ईवीएम मशीन में जो घोटाला हो रहा है वो घोटाले को छुपाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी जानकारी है। मगर अभी मैं उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें आप लोगों को बताना चाहूं। साथियों, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में निर्णय दिया, और ईवीएम मशीन के बारे में 11 नंबर 29 जो जजमेंट दिए गए हैं उसमें 11 नंबर 29 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लिखा कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़े बड़े शब्द है, और बड़े बड़े शब्द होने की वजह से आपको समझने में दिक्कत होगी, तो मैं एक शब्द में आपको बताना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ईवीएम मशीन ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकती। ब्रीफ में, संक्षेप में यह कहा जा सकता है। साथियों, ईवीएम मशीन के विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, और उस केस में उसका पहले नंबर का कहना था कि 2004-2009 में ईवीएम में घोटाला करके कांग्रेस ने चुनाव जीता, और इसलिए वो केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये सारी कारस्तानी बीजेपी की है। भारत में जो बहुत बड़ी बड़ी खराबियां है, सबसे बड़ी बड़ी खराबियां है, उसके पीछे बीजेपी नहीं है, उसके पीछे सारी कारस्तानी कांग्रेस की है। देश में नक्सलवाद शुरू हुआ कांग्रेस का राज था, देश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस का राज, देश में भूखमरी हुई कांग्रेस का राज था, देश में आतंकवाद शुरू हुआ कांग्रेस का राज था, देश में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया कांग्रेस का राज था। तो देश में जो बड़ी बड़ी समस्याएं है भारत में आज के तारीख में, उसके मूल में कांग्रेस है।
इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो सज्जन है, वो तो बदमाश लोग है ही है, मगर उनको बदमाशी करने का मौका ही नहीं मिला। बदमाशी करने का मौका सेंट्रल गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 99 में आई। 99 का मतलब यह है कि 47 से लेकर 99 तक बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। 56-57 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तो बीजेपी को तो कर्स्तानी और बदमाशी करने का मौका ही नहीं मिला, और अगर उनको मौका मिलता तो वो बदमाशी जरूर करते। तो कांग्रेस के बदमाशी में और बीजेपी के बदमाशी में थोड़ा फर्क है। कांग्रेस बदमाशी पूरी तरह से करती है और अपने आप को छुपाती है। बीजेपी वाले एक दृष्टि से अच्छे लोग हैं कि वो खुल्लम खुल्ला नंगाई करती है, खुल्लम खुल्ला बदमाशी करती है, यानी खुले रूप से बदमाशी करती है। तो हम सब गधे लोगों को मालूम होता है बदमाशी, ये बहुत अच्छी ईमानदारी बीजेपी वालों की है कि वो जो भी बदमाशी करते हैं वो खुल्लम खुल्ला करते हैं। तो हम सब गधे लोगों को मालूम हो जाता है बीजेपी के लोग बहुत बदमाश, मगर समझदार आदमियों में और गधे लोग में तो फर्क होता ही है। मैं समझदार आदमी अपने आप को कम से कम मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि भारत में जो सबसे ज्यादा बुरी चीजें हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। बड़ी बड़ी बुरी चीजें जैसे नक्सलवाद है, सर्वाधिक भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, भूखमरी है, रूल ऑफ लॉ गायब हो गया, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा खराबियां, बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की खराबियां उसके लिए कांग्रेस। और अब उस सबसे बड़ी बुरी चीज अगर कोई है वो है ईवीएम। ये सारे बुराई की मां है ईवीएम, और ये लाने का काम कांग्रेस ने किया। इंदिरा गांधी ने अभिषेक मनु संघवी के दौरान अपने मरने के पहले इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन किया, और तीसरा ब्राह्मण था सीताराम येचुरी, अभी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जनरल सेक्रेटरी, सबसे बड़ा लीडर है, उसने समर्थन किया। तो तीन ब्राह्मण नेशनल लेवल की पार्टी के तीन ब्राह्मणों ने मिलकर संसद में रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन पास करके ईवीएम ये सारे देश के लोगों पर सौंप दिया।